होली के रंग में छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह रंगे हुए नजर आए। भिलाई स्थित अपने आवास पर सीएम भूपेश बघेल ने परिवार के संग होली खेली। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने आप को पारंपरिक रंग में ढाल लिया। सीएम ने नगाड़ा बजाया और फाग गीत गाए। सीएम ने प्रदेश के लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई स्थित अपने निवास में जमकर होली खेली। अपने परिवार के साथ उन्होंने होली मनाई और इस दौरान सीएम ने जमकर नगाड़ा बजाया और फाग गीत गाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में इस साल विशेष रूप से ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें खुशी की लहर नहीं हो। अन्नदाताओं ने खूब अनाज उत्पादन किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल रिकॉर्ड धान खरीदा 107 लाख मीट्रिक टन, 22,000 करोड़ सीधा किसानों के खाते में। अभी 31 मार्च पहले चौथा किस्त फिर किसानों के खाते में जाना है। मजदूरों के लिए 7,000 रुपया सालाना, गौपालकों के लिए सैकड़ों करोड़ के गोबर और वर्मी कंपोस्ट के तहत भुगतान किया गया। लघुन उपज 65 प्रकार के समर्थन मूल्य में तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा, और उसी प्रकार से अभी चाहे वो मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सहायिका हो, चाहे पटवार हो, चाहे पटेल हो, चाहे हमारे नगर सैनिक हो, सबके लिए इस बजट में हमने दिया। और बेरोजगार साथियों के लिए 2,500 रुपया सालाना देने का फैसला किया है। तो आज छत्तीसगढ़ में अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। हमारे शासकीय कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया, तो सभी वर्गों का हमने ध्यान रखा। अनेक रंग छत्तीसगढ़ के फिजा में दिखाई दे रहा है। मैं सबको होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।